राम रहीम को पैरोल मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, क्या दोबारा अगर वो पैरोल पे आता है उस तरह की हिंसा दोबारा होती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार हो? ये सब बातें एक प्रोसीजरल तरीका होता है, एक लीगल और एक प्रशासनिक सब मिला करके। आखिर कोई भी व्यक्ति जो पैरोल का अधिकारी होता है वो अपने आप पैरोल मांग सकता है, मांगने में किसी को रोक नहीं सकते। और पैरोल जो मांगी जाती है वो जेल अधीक्षक से मांगी जाती है, जेल अधीक्षक उसको एज इट इज रिपोर्ट को उपायुक्त महोदय को भेजते हैं, उपायुक्त आगे एसपी से रिपोर्ट लेते हैं और अंतिम फिर बाद में कोई रिकमेंडेशन करते हैं तो डिविजनल कमिश्नर करते हैं। डिविजनल कमिश्नर का किस प्रकार का रिकमेंडेशन आएगा, डीसी एसपी को भेजेंगे तो एसपी की रिपोर्ट क्या होगी, उसके बाद अगर कोई सरकार का रोल होगा तो सरकार करेगी, सरकार का रोल नहीं होगा तो सरकार रोल नहीं करेगी। कानून व्यवस्था की बात करें तो सरकार को इसके बारे में कोई आपत्ति है या नहीं? मैंने बताया अभी तो ये विषय डीसी लेवल पर और एसपी लेवल पर है। डीसी एसपी क्या रिपोर्ट वहां से देंगे इसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी, उनकी रिपोर्ट आएगी, इसके बाद अगर सरकार को या कोर्ट को या अधिकारियों को या लैंड ऑर्डर के नाते से कोई टिप्पणी करनी होगी तो तब की जाएगी।